नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे ओल्ड जीन से एक बहुत ही सुंदर सा हैंड पर्स बनाना। तो इसके लिए मैंने ये ट्राइंगल सॉरी स्क्वायर कटिंग कर ली है 11x11 सेंटीमीटर के। तो 5 जो है डार्क कलर के हैं और 3 जो है लाइट कलर के हैं, जिसे मैंने एक ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लिया है सेंटर से डायगोनल शेप में। तो देखिए इस तरीके से हम इन्हें अरेंज करेंगे, फिर बीच में लाइट कलर का स्क्वायर और आसपास डार्क कलर के, फिर से इसी तरीके से। अब हम इनको आपस में स्टिच करेंगे और जो लास्ट वाला है उसे यूं स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने अब इस को इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पर लाइट के साथ डार्क कलर वाला हिस्सा आ जाए और इन्हें आपस में स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने ये सब स्टिच कर लिए हैं आपस में पीस। अब मैंने सेम साइज का लाइनिंग कटिंग कर लिया है, तो इसको हमें ऊपर रखना है और लाइनिंग को नीचे, और सेम साइज का हमें इसको काट लेना है। तो देखिए अब मैंने पॉकेट के लिए 6x6 इंच का ये स्क्वायर ले लिया है। इसका एक किनारा हम यूं फोल्ड के स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस पॉकेट को इस लाइनिंग में स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम इसका हाफ कर लेंगे, फिर इसको हम ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। और अब हम इस पॉकेट को सेंटर पे रख के तीनों साइड पे स्टिच लगा लेंगे लाइनिंग के साथ। तो देखिए दोस्तों, हमने पॉकेट स्टिच कर ली है। अब हम बैक के स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप की लेंथ मैंने 13x2 इंच की ली है। इस तरीके से दोनों किनारे हमें फोल्ड करने हैं और आपस में रख के स्टिच कर लेना है दोनों को। तो देखिए दोस्तों, मैंने बैक के स्ट्रैप बना लिए हैं। अब हम इन स्ट्रैप को इस तरफ और दूसरा यहाँ पर रख के स्टिच कर लेंगे। इसके बाद मैंने 13 इंच लंबी जिप ले ली है। जिप को मैंने अलग अलग कर लिया है। एक जिप हमें यहाँ पे स्टिच करनी है, दूसरी जिप हमें स्ट्रैप स्टिच करने के बाद यहाँ पर स्टिच कर लेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, मैंने जिप भी स्टिच कर ली है। अब हम लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग जो पॉकेट वाला हिस्सा है उसे हम रखेंगे जीन्स की सीधी साइड की ओर ऐसे करके, और यहाँ पर स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ तक इस पर्स को स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको इसे सीधी साइड को करके दिखाती हूँ। सीधी साइड करने के बाद हम इसके जिप में रनर डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने रनर भी डाल लिया है। अब मैं फिर से इस बैग को रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर रही हूँ। अब हमें जो बेस वाला ट्रायंगल है और जो जिप वाला ट्रायंगल है, इनके कॉर्नर आपस में मिलाने हैं। देखिए इस तरीके से जिप वाले ट्रायंगल के और बेस वाले ट्रायंगल का कॉर्नर मिला के हमें यूं इस तरह से स्टिच कर लेना है। ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें स्टिच कर लेना। तो देखिए एक तरफ से ये इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने साइड को स्टिच कर लिया है। साइड आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी स्टिच होने के बाद सीधी साइड से। तो ये पर्स जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे, और ये बिल्कुल ही फ्री है।
और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।